बॉयज एक्सीडेंट हो गया भाई का तुम्हारा। दो तीन दिन बाद चला रहा हूँ, आप यहाँ पहुंच जाओ, आ जाओ मेरे अंदर आओ। मुझे कह रहा हूँ यहीं तक जा, मतलब मैंने कहा हम यहीं तक जा रहे हो, देखो क्या पहन के आए। सच में भाई फ्रिज चाहिए, और मेरे ऐसे काम नहीं कर रहे, हम फ्रिज में बैठेंगे भाई। नहीं पता, मैं ऊपर बैठा जैसे बात कर रहा हूँ, पानी पीना ना भाई, सड़ा हुआ पानी समझ रहे, गर्म हो गया। अब अगर पहले काम चल जाता था, अब काम नहीं चल रहा भाई। अब गर्मी एक दो दिन में बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। चकना आपने ऐसे फैला के रखा गाइस, चकना सही है, चकना है क्या? तो देखा, देखा है उसको ना, बॉयज एक्सीडेंट हो गया यार भाई का दोबारा। शाबाश बेटा, भाई बाइक वाला आके घुस गया, पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ उसकी बाइक का, ये ले आया हूँ मैं सुवेनियर। So literally भाई यहाँ आके घुस गया। बाकी आपको शिवम बताएगा क्या सीन है, ठीक है भाई? तू एक्सप्लेन मुझे भी कर, मुझे भी जरा एक्सप्लेन कर हुआ क्या है ये। भाई सीन हो गया यार, बट चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी बिल्कुल, चोट नहीं। जबकि जिस हिसाब से गया था, मैं तो पीछे वाले मिरर में देख रहा था भाई, राइट में मेरे आगे घुस गया। मतलब क्या बताऊं, ये हो क्या रहा है? आज डे कौन सा है? संडे। संडे तो अच्छा दिन है यार, बट भाई आगे घुस गया। बाकी आपको डिकी बताएगा भाई, डिकी तू एक्सप्लेन कर हुआ क्या, क्योंकि देख मैं आगे देख रहा था और ये गलती तो है दोनों की, सांप को पाल रहा था। ठीक है हमने थोड़ा राइट एकदम से ले लिया, पर वो पूरा राइट पे देख रहा था उसे, वो आ रहा था पीछे से, बट हुआ क्या बाद में कि अब उसको लगा कि भाई हम पूरा राइट नहीं ले रहे, उसने थोड़ी स्पीड दे दी। और मेरे को वो पूरा जब आते हुए दिखा है, भिड़ा है, वो पूरा ए टू जेड गिरते हुए दिखा है मेरे को पीछे से आता, और मेरे को रियर में दिखा हुआ क्या धमाके घुस गया, वो आया है घुसा है। और मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, जिस स्पीड से वो घुसा है और गिरा है ना, उसने बेशक ब्रेक दबाई है, बट मेरे को नहीं लगा उसने ब्रेक दबाई, ब्रेक भी नहीं लगी, देखता हुआ गया, क्योंकि उसको लगा राइट से निकल जाएगा, राइट से निकाल लेगा ओवरटेक करके, उसको यही लगा कि भाई राइट से निकल जाएंगे, तो वो निकल गया भाई। और ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साथ साथ चिपकते आ रहे हैं, उसको दिख भी रही है गाड़ी आराम से राइट हो रही है, उसके बाद भी तुम स्पीड देके हम निकालना चाहते हो तो भाई हाँ, मतलब लिटरली, मतलब गलती तो भाई जब एक्सीडेंट होता है तो गलतियां तो होती है ना, तभी तो एक्सीडेंट होता है। बट मैंने इंडिकेटर दे रखा, मैं राइट में रख रहा हूँ। अब ये देखो जैसे ये आ रही रिवर, देखो भाई हमारी ये मेरे में घुस जाए, एकदम से राइट नहीं लिया, इंडिकेटर देखे धीरे 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 राइट लेके, और वो आगे सीधा डायरेक्ट घुस गया। दिखता है यार सामने गाड़ी मुड़ रही होती है, वो सब दिखता है। और वहां से कट था, ऐसा भी नहीं कि वहां कट नहीं था, तो भाई कट था, कट में ही राइट ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि सडन टर्न किया, उसको बस लगा जो उसको छोटा सा गैप दिख रहा था ना, उसको लगा मैं उससे निकाल, वही तो और निकल गया भाई। फिर वो निकल, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी भी छिलफट नहीं हुई उससे ना, और मतलब कुछ भी नहीं हो उसको, कुछ नहीं। और आई वाज एक्सपेक्टिंग भाई के वो पीछे उसका वो जो कमर पे गिर गया ना, वो थोड़ा पत्ता, वो लगा से उसी की वजह से रिगड़ता बच गया, नहीं तो कहीं ना कहीं तो रोड पे वो होता ही। बाइक कमर और उसकी लग गई नीचे, मतलब ठीक है, बाकी चोट नहीं लगी, खुद चला के बाइक गया तो बाकी भाई ठीक था। यहाँ से टो तो नहीं हो जाती, यहाँ से एकदम आगे घुस गया सुपरमैन की तरह मेरे में, जस्ट लाइक फ्लैश। चलो ये फायदा है अपनी गाड़ी को ज्यादा दिल से ना लगाने का, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इसे देखो दिल से लगा नहीं रखा था, तो इसकी लाइट भी टूटी, मतलब फूट रखी है, मैंने ठीक नहीं कराई। अब ये लगी ना, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे ये डर लग रहा था उसकी बाइक पे नुकसान ना हो जाए यार, अपना काम धंधे की बाइक है उसको, मैं अपनी बाइक को चमका के रखता हूँ, और देख लो फुल अब्यूज है इसके साथ, डेंट देख आ जा। ये ले ब्रदर, ये क्या है? द न्यू नई स्विफ्ट का डिजाइन है शायद, उसकी ब्रेक एस बनाई गई, एस है हाँ। अबे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सूखा डेंट है, निकल जाएगा यार, डोंट इवन काउंट दिस ब्रो, लाइक दिस इज नथिंग भाई, उसको भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ भाई, फुल चिल। एक छोटी सी अपडेट है, मूड खराब हो गया भाई, अब मूड खराब हो गया भाई, ये तूने क्या दिखा दिया, तो मैं देखा ही नहीं था जब से, एक सेकंड मुझे गाली पड़ने वाली, क्योंकि ये डेंट है ना जो, ये सब कुछ खुल वुल के निकलता है, ये नीचे का होता है यार, उसकी एक प्लेटिना ने हाल कर दिया इसका, सेफ्टी में तो स्विफ्ट को भाई 5x5 कह रहा हूं। अरे उसमें कुछ और सेफ तो था नहीं, ये इंजन से ही हुआ है जो हुआ, क्या ये पत्थर तो नहीं घुसेड़ दिया उसने वो वाला? पत्थर तो आ ही नहीं सकता, इधर था वो तो गिरा ही पत्थर पे, आजकल ये पत्थर भाई सड़क पे रखे बड़ा दुख दे रहे हैं भाई, बड़े गलत पत्थर रखे यार, ये देखो यार।
क्या बोला गंगा मैया, बोलना दोबारा फेंक, लॉक हो गया, अब नहीं हट सकता बेटा। ओके है मम्मी, मम्मा मम्मी को तो बताया नहीं। मैं कह रहा हूँ आज काम तो हुआ नहीं पर काम हो गया। फ्रिज देखने गया था, फ्रिज देखने गया था, एक बाइक वाला गाड़ी माँ के घुस गया। तेरी गाड़ी में? हाँ। फिर? तो कुछ नहीं, गिरा तो बहुत बुरा, एकदम ऐसे ऐसे हो गया। हाँ मंत्र पढ़ू पीछे के शीशे में देख रहा उसको लगी है फूल, मतलब पत्थर में घुस गया, जैसे बोल्डर में हम घुसे थे ना, ऐसे बोल्डर में लग गया, मतलब ऐसे घुस गया, ऐसे घुस गया, चोट नहीं लगी उसके, खड़ा हो गया, पता नहीं इतनी बुरी तरह गिरा, खड़ा हो गया। गाड़ी पे डेंट आया ना राइट में, वो भी सेफ था, उसकी बाइक भी ठीक थी, मतलब कुछ नहीं हुआ, सीन लोग इकट्ठा हुए फिर अपने आप लोग चले गए। पर मेरे मंत्र फिर मैंने तो पढ़ रखा था, उसने नहीं पढ़ रखा था मंत्र, है ना। तुम मुझे हर बार मेरे किचन में क्यों हो रहा मैं, क्योंकि ये रहते किचन में मैं, आप रहते किचन में, रहते किचन में भाई क्या करूं बता, वो गाड़ी ले गए पापा, ले गए ना साइड में, वीडियो दिखाऊं तो भाई हुआ क्या कि मैं डैड से लड़के गया था कि मैंने कहा मैं अपना फ्रिज खुद लेके आऊंगा, कहते हैं कि चल मैं साथ चल देता हूँ, मैंने कहा नहीं ना, फ्रिज मिला गाड़ी अलग ठोकी, पापा गए शाम को एक घंटे में फ्रिज लेके आ गए भाई, ठीक है बेटर, जो मैं सोच रहा था उससे काफी बेटर। अब क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्यों क्या है भाई घर वालों के बिना, मुझे नहीं पता भाई आप लोग मतलब इन सेंस आप क्या तोप हो भाई, बट हम घर वालों के बिना, घर वालों के बिना हम क्या है भाई, जीरो, मैं तो जीरो हूँ भाई। देखो कितना प्यारा सा फ्रिज है, दिखाऊं, मतलब बड़ा एक्साइटेड हो रहा भाई फ्रिज लेके, देखो है ना प्यारा भाई, छोटा सा 95 लीटर्स का, कभी कभी एक ठंडी बियर लगा दूं मैं इसमें। अच्छा तब आई लव माई इंडिया, ओके आई लव माई इंडिया टू ब्रो, पर ये भाई तो काफी तगड़ा तेज भक्त है, इसने काफी बाइक पे काम करा रखा है, इंडिया इंडियन अपाचे है ही आई गेस। ओहो हो, दो तीन दिन बाद चला रहा हूँ, बोलो कि हर वीडियो में यही बोलता है, सच बता रहा हूँ दो तीन दिन बाद चला रहा हूँ। हाँ आप यहाँ घुस जाओ, आ जाओ मेरे अंदर आओ, एंड आज मेरे डैड मुझे क्या कह रहे भाई सुनो, कह रहे यार वो एग्जॉस्ट बढ़िया लग रहा है, बताओ यार मेरे डैड को भी इंटरेस्ट आ गया मेरी वीडियोज देख देख के बाइकिंग का, कह रहे यार वो एग्जॉस्ट बढ़िया जो तेरे दोस्त ने लगा रखे R10, तो वो भी चेंज करा लियो तू। मैंने कहा अभी तो आप मतलब लिटरली अगर मैं अभी जा रहा होता तो अभी करवा लेता, बट अभी नहीं, पहले प्लान करूंगा एक दूसरे का रिसर्च करूंगा, उसके बाद भाई इसको चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें से हवा लीक हो रही है यार, इस एक्रोपोविक में से ना हवा लीक हो रही है, तो फिर थोड़ी परेशानी, मतलब मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही फ्री फ्लो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो इज़ टू लाउड यार, वेरी वेरी मच लाउड टू बी ऑनेस्ट। यार ये कलर काफ़ी डिफरेंट है भाई, मैंने गाड़ी में तो मतलब किसी कार में ये नाडो ग्रे नहीं है, दिस इज नाडो ग्रीन में भी पता नहीं भाई, बट दिस इज लुकिंग क्वाइट नाइस, मतलब अच्छा है, अच्छा कलर था, डिफरेंट कलर यार, मतलब डिफरेंट के चक्कर में या तो इतना रेड मत लो या इतना ब्लू भी मत लो भाई, कि मतलब टॉय कार ही लगे गाड़ी आपकी। अब आप ये देख लो, आप ये चीज़ नोटिस करो, आगे बाइक पे एक आंटी जा रही है, मतलब पीछे बैठी है, उन्होंने पैर अपना राइट वाला देखो कहाँ रख रखा है, अभी दिखाता हूँ, मतलब आप लोग मैं क्या बताऊँ मैं, मतलब भाई कहाँ मतलब कैसे मैं बताऊँ तुम्हें, अरे भाई साहब निकल लूँ जरा, मैं कंटेंट मिस करवा रहे हो, ये देखो वो एम्बुलेंस फंसी हुई है, देखो राइट वाला पैर देखो मैडम का कहाँ है, ये देखो जब तक घर पहुँचेंगी ना ये, इनके पैर में राइट में चप्पल होनी नहीं है ये वाली। पंचर आ चुका है भाई इसमें, भैया चेक कर रहे हैं कहां से, मुझे लग रहा है पुराने वाले लीक ना हो रहा हो, ये प्लास्टिक का है क्या
सब इसमें फाइबर ही है, हल्का बनाते ना बॉडी हल्की रहे ताकि भागे ये। इसलिए देते हैं प्लास्टिक का। हाँ इसलिए कि हल्की रहे। यही है इसमें। हाँ लेकिन अच्छा एक ही हो भगवान करे, इसमें एक ही है मुझे पता है। जिस हिसाब से हवा निकल रही है ना, दो होते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। ठीक थैंक यू। तो भाई हो गया भाई पंचर, मतलब पंक्चर तो पहले से था, मुझे घर से ही अंदाज़ा हो रहा था हार्ले खड़ी है। सॉरी, तो मेरे को लग ही रहा था यार कि ना मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि पंक्चर है सुबह से ही, और बाइक भाग नहीं रही थी बिल्कुल भी ना। और सोचो क्या था यार टायर में, एक टायर को नया टायर, आई मीन मैंने अब मतलब बर्नआउट से मारे हैं, बट मतलब टायर ठीक है भाई, उसमें घुसा क्या है, जो लकड़ी का कांटा नहीं होता भाई, लकड़ी का कांटा घुसने की वजह से बाइक धीरे धीरे हवा लीक हो रही थी, और लिटरली वो कांटा निकल भी नहीं पाया है, उसको अंदर ही ठूसना पड़ा, मतलब वो टूट रहा था, बट इतना शार्प था कि रबड़ में घुस गया। अरे यार बेचारी कहाँ बैठी है यार ये। एक्चुअली कई बार इंजर्ड हो जाते हैं और जहाँ बैठे होते हैं ना भाई, वहीं बैठे रह जाते हैं। किसी को बहुत तगड़ी ज़रूरत है पॉल्यूशन चेक करवाने की यार, बहुत तगड़ी ज़रूरत है। वाह, मतलब सिर्फ एक गाड़ी से पोल्यूशन देख लो यार, और इसको कह रहे मैं तो GTR वाली फील ले रहा हूँ यार, पीछे से आग निकलती है, धुआं निकलता है, मतलब भाई साहब ये आग लगने से बस दो चार मिनट ही दूर है गाड़ी। ओहो बच गया। क्या राइड थी यार, सोलो राइड एक नंबर। बाकी यार मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई ध्यान रखें और मौज लें दबाकर ओके।